देखिए ये निश्चित तौर में अपने आप बहुत बड़ी शर्मनाक घटना है, बहुत निंदनीय घटना है और देश की जो देश का जो मान और सम्मान है उस पर कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कुठाराघात पहुंचाने वाली घटना है। लेकिन विडम्बना इस बात की है कि ढाई महीने से ज्यादा के समय में मणिपुर जल रहा है, मणिपुर में दो समुदाय के बीच में जातीय हिंसा हो रही है और लगातार हमारे राहुल गांधी जी जो हमारे नेता है वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी देश को जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर लड़ाने का काम कर रही है और आज उसका यही नतीजा है। आज मणिपुर विगत ढाई महीने से जल रहा है, वहाँ की माताओं बहनों के साथ किस तरह के कुकृत्य किया जा रहा है, ये हिंदुस्तान के माथे पर कलंक है, ये हिंदुस्तान की जनता पर एक कलंक है जो कि भारतीय जनता पार्टी की तथा कथित डबल इंजन की सरकार में इतना बड़ा जघन्य अपराध हुआ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, केंद्र की मोदी सरकार को कतई शर्म नहीं है, उन्हें तत्काल अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए अगर उनके अंदर थोड़ा भी शर्म नाम की चीज है। हमारे देश का बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है, लेकिन कब से चार पांच महीने हुए हैं वहाँ सबसे दो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। लेकिन जो हमारे प्रधानपति जी हैं उनको मतलब ये है कि वहाँ से ऐसा लग रहा है कि जैसे उनको राज्य से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि वहाँ चुनाव हो चुके हैं। और आज जो सोशल मीडिया पे जो महिलाओं का जगन वीडियो वायरल हुआ है उसमें जो महिलाओं के साथ इन्हें जघन्य अपराध हुआ है और उनको उनके साथ रेप करने के बाद उनको निर्वस्त्र घुमाया गया है, बहुत ही शर्मनाक मामला है जिसका हम सभी लोग विरोध करते हैं। जो वहाँ के सीएम है अगर महिलाओं को नहीं सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। इसके लिए हम जनता से भी मांग करेंगे कि जब ये मणिपुर का ही मामला नहीं है तो पूरे देश की महिलाओं का मामला है। जो घटना हुई है ये पूरे देश के लिए शर्मसार करने वाली घटना है और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जो घटना 4 मई को हो गई थी उस घटना को हम कल टीवी के माध्यम से देख रहे हैं और बड़े शर्म की बात है, बड़े दुर्भाग्य की बात है। देश का प्रधानमंत्री कल उसमें छोटा सा वक्तव्य देता है और कहता है कि ये घटना राजस्थान और अन्य प्रदेशों में भी हुई है जो कि बड़े बड़े शर्म की बात है। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ सुशासन और महिला सुरक्षा की बात करते हैं, लेकिन बड़े दुख की बात है, बड़े शर्म की बात है कि मणिपुर जैसी घटना जिसने आज पूरे देश को शर्मसार करने का काम किया है, भारतीय जनता पार्टी को इसमें तत्काल जो है इस्तीफा देना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए और मणिपुर के जो मुख्यमंत्री है उनको भी इस्तीफा देना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।